राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में बाल विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान नाटिका का आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में बाल वैज्ञानिकों का हुनर देखने को मिला। बाल वैज्ञानिक समय की आवश्यकता और विषय की समझ के साथ अपने मॉडल लेकर महोत्सव में पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्षद यशोदा नेगी ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों की समझ को बढ़ाने में कारगर साबित होते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता है और इसमें प्रत्येक बच्चे ने, जो हमारे छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने मॉडल तैयार किए हैं। किसी ने इसमें जैविक खेती का दिखा रखा है, किसी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का दिखा रखा है, किसी ने सड़क सुरक्षा जो अभियान में जो हमें नियम बरतने चाहिए वो दिखा रखा है। तो कितनी अच्छी बात है, ये बच्चे हमारे आज इतने छोटे छोटे हाई स्कूल में पढ़ने वाले, इससे छोटे बच्चे सीनियर जूनियर सभी हैं, तो इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट इसमें बना रहे हैं, तो आगे चलकर यही हमारे बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। प्रदर्शनी में प्रतिभा कर रही छात्रा तूबा खान ने पहाड़ी सड़कों के तीव्र मोड़ों पर वाहन दुर्घटना से बचाव और सड़क पर चलने वाले पशुओं की सुरक्षा के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो दुर्घटनाओं से बचाव करने में कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा टर्नओवर पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसी की वजह से है वो कि अगर इधर से कोई ऑब्स्टिकल, कोई गाड़ी जा रही है, कोई जो एनिमल्स जा रहे हैं, अगर सामने मोड़ पे जो है, हमने ऐसे बनाया है, नॉन फ्लैशिंग डिवाइस बनाया है कि मोड़ पे जो है सामने आने वाली गाड़ी को या कोई किसी को भी पता चल जाए कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मोड़ पर हॉर्न नहीं देते हैं और कुछ होते हैं कि इमरजेंसी में जाते हैं, जल्दी में जाते हैं, वो हॉर्न नहीं दे पाते, तो इसी वजह से हमने ये करा है। पानी की बचत और उपयोगिता को लेकर अपना विज्ञान मॉडल तैयार करने वाले बाल वैज्ञानिक अक्षर डोभाल का कहना है कि उनके विज्ञान मॉडल का आधार पर्वतीय अंचल में पानी की बचत और उपयोगिता को बढ़ावा देना है। बेस ये है कि हम मतलब पानी हम जब डालते हैं खेतों में तो पानी अधिकतर हम वेस्ट कर देते हैं। हाँ, तो हमने ये डिसाइड किया है कि जो बारिश का पानी है तो वो मतलब छतों से नीचे जाएगा और उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर टैंक में वो जमा हो जाएगा, जिसके बाद हम एक वाटर डीसी वाटर पंप के मदद से हम उस पानी को ऊपर खींच सकते हैं, जिसको हम कुएं में डाल सकते हैं और उस कुएं से हम एक पाइपलाइन जोड़ सकते हैं जिसपे हम वाटर ड्रॉपिंग सिस्टम कर सकते हैं। सर, उस वाटर ड्रॉपिंग सिस्टम से ये हो सकता है कि हम कम मात्रा में पानी के अधिक से अधिक सिंचाई कर सकते हैं। सर, इससे हमारे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी सिंचाई हो सकती है।